मेरा नाम राज सिंह राजपूत है। क्या हुआ जी? यहाँ पे किया सिल्कोस का शोरूम है। यहाँ पे जसपाल नाम के व्यक्ति ने आज से 20 दिन पहले गाड़ी बुक कराया था, लेकिन उन्होंने दो चार दिन बाद फिर उन्होंने उनके दिमाग में आया होगा कि चलो हमने टॉप मॉडल लेना है। फिर उन्होंने टॉप मॉडल के लिए पहले उन्होंने 25,000 जमा किया, फिर उन्होंने 55,000 जमा किया, ऐसे कर करके इन्होंने 1,55,000 जमा किया। जब 20 दिन बाद इन्होंने यहाँ पे आए पता करने कि हमारा गाड़ी कब मिलेगा अपने गाड़ी का स्टेटस के लिए, तब यहाँ का कंपनी का मैनेजर जो है उन्होंने बोला कि नहीं आपका गाड़ी कैंसिल हो गया। इन्होंने बोला क्यों कैंसिल हो गया? बोलते नहीं बस कैंसिल हो गया, आपको 25,000 जमा है। फिर उन्होंने बोला नहीं हमने तो 1,55,000 जमा किया है, जिसका उनके पास पर्ची भी है। उन्होंने अब ये बोल रहे हैं कि नहीं जो हमारे पास काम करता था वो लड़का काम छोड़ चुका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं भी या तो ये मालक खुद एम्प्लॉय नहीं रखता, पैसे खुद लेता है, एम्प्लॉय को कस्टमर के पास नहीं भेजता, ये सारा डील तो कस्टमर के हाथ में दे रखा है, तो कोई भी इनका कंपनी का लीडर देख के कंपनी के ऊपर ही भरोसा करेगा? अब यहाँ पे आदमी किससे पैसा मांगे, किसके ऊपर विश्वास करे? खास करके हमारा जो ये एरिया है जहाँ पे इनका शोरूम है, मजदूरों का एरिया है, जब यहाँ के लोकल आदमी के साथ ये इतना धक्का करते हैं तो पता नहीं मजदूरों का कितने का पैसे ये ठगी मार गए होंगे, कितने का पैसे दबा गए होंगे, इसका पता नहीं है। इसलिए मैं लुधियाना के पुलिस कमिश्नर, DC साहब दोनों से ये अपील करता हूँ कि ऐसे एजेंसी मालक, ऐसे एजेंसियों पे ऐसे कार मालकों को सील कर देना चाहिए और उनको जेल कर देना चाहिए। एक जो चोर भी होता है भाई साहब, वो रात के अंधेरे में चोरी करता है ताकि वो पकड़ा ना जाए, ये तो दिन के उजाला में सरेआम अपना लेटर पैड दे के उस लेटर पे चोरी कर रहा है, उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इससे पहले भी 4-5 कारनामे बर्दात यहाँ पर हो चुका है, वो बर्दात होने के बाद भी पता नहीं पुलिस कमिश्नर, यहाँ के प्रशासन कौन से नींद में सोए हुए हैं या उनको पैसा जाता है भगवान जाने, कि अभी तक ऐसे मालिक के ऊपर, ऐसे घुसखोर, ऐसे करप्ट, ऐसे चोर के ऊपर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं किया। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से एक कमिश्नर साहब को ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे एजेंसी को सील किया जाए, DC साहब को बोलूँगा ऐसे एजेंसी सील किया जाए और इनके ऊपर पर्चा 420 का हुआ जाए, क्योंकि कोई भी चाहे कंपनी आप ले लो, किसी भी चीज़ ले लो, उसमें मालक सारा डील नहीं करता, अपना मैनेजर रखा होता है, अपना एम्प्लॉय रखा होता है, एम्प्लॉय को पैसे देते हैं, एम्प्लॉय उनको सारा कोटेशन बताता है, बुकिंग में एम्प्लॉय करता है। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई मालिक बुकिंग करता है, मालिक पैसे लेता है। कैशियर को भी जमा करना होता है तो उनका जो एम्प्लॉय होता है वो कस्टमर को रसीद काट के दे देता है और उनको बोलता है कि हमारा रसीद है जी, वही हमारा प्रूफ है, कस्टमर भी उसी को प्रूफ मांगता है, सबको उसको प्रूफ मान लेता है। अब उसके बाद ये मालक ने 1,55,000 चोर बोला जाएगा इसको, चोर भी नहीं डकैत, ऐसे डकैत जो सरेआम दिन दहाड़े डकैती कर रहा है, इसके लिए अगर ये कल पुलिस प्रशासन को भी इस माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, कल तक ये मालक पैसे नहीं दिए, कोई राह नहीं दिए, तो हमने इनके गेट के बाहर धरना लगाना है और जब तक ये पैसा ना मिल जाए तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और जितने भी इनके कस्टमर हैं हम उनको भी बताएंगे कि मालक चोर है और ये चोर से बचो, चोर नहीं डकैत है, डकैत से बचो। जो एक एजेंसी का लेवल लेके, किया का लेवल लेके सरेआम दिन में चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, जो ठग होता है ना वो भी कोई ना कोई दिलासा देता है, ये तो ठगी मार के सीधा बोलता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, इससे बड़ा ठग किसको बोला जाएगा। इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ और कमिश्नर साहब को दोबारा बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा किस चोर के खिलाफ FIR किया जाए। सर जरा आज अपनी एजेंसी बार धरना हो या तो प्रॉब्लम हो जाए किया की मैटर है सारा कुछ और भी जिस तरह है गया जी कि मैं आगे भी एक्सप्लेन करके हटे हैं कि जिन्हें भी कैश की डीलिंग होंगी है वो सारी जी ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई एस्टैबलिशमेंट है उसके अंदर जो कैश काउंटर है सिर्फ उत्थे ही कैश जमा करवाना चाहिए तो नाल दी नाल रसीद लेनी चाहिए। इन्होंने बाहर शोरूम तो बाहर जो तो टेस्टेड के लिए कोई जाता है उसनू कैश डिपोजिट करवाया जिहड़ा कि कैश साढ़े को जमा नहीं होया ते जो बंदा सीगा ऑन जॉब वो साढ़े को एबसेंट है पिछले करीब 7-8 दिनों तो ते हुण सानू पता लगे है कि एना ने उसनू अपनी फैक्ट्री के विच बुला के कैश जमा करवाया सीगा ते जिहड़ा उसने साढ़े को ऑर्गनाइजेशन के विच कंपनी के विच जमा नहीं करवाया
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਿਫੰਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕਿ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਜੋ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦਿਓ, ਜਾਂ DD ਦਿਓ, ਜਾਂ RTGS ਕਰਵਾਓ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਅ ਦੇਖੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਲੁੱਟ ਖੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਡਾਕੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਇਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।